हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 25 फीट बाई 20 फीट के हाउस प्लान के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये हाउस प्लान हमने बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया है, तो उम्मीद है ये हाउस प्लान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे बेनिफिट ये होगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बिल में चला जाएगा। तो सबसे पहले इसका ओवरऑल हम देते हैं, देख सकते हैं पीछे में आपको दो बेडरूम मिलेगा। यहाँ पे आपका हॉल रहेगा, ये आपका ओपन किचन रहेगा, टॉयलेट रहेगा, ये आपका स्टेयर केस का सेटअप है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्टेयर केस का सेटअप देखने को मिलेगा। और बाहर में आप इधर पार्किंग एरिया है, आप इधर में टू व्हीलर बाइक पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे एक स्लोपिंग जैसा बना सकते हैं जिससे आप अपने बाइक को इजीली अंदर ले जा सकें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हाउस प्लान है दोस्तों। चलिए हम वन बाय वन आपको 3D मॉडल में समझाएंगे, जिससे आपको क्या होगा बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कॉलम को खड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों, कॉलम की जो हाइट है वो आपका 10 फीट का रहेगा। देख सकते हैं ये सारा कॉलम जो है ये हम 10 फीट का बना देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जो कॉलम है वो आपको हम दिखा देते हैं बना के। दोस्तों, जो कॉलम है वो 9 इंच बाय 9 इंच का है और ये इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो 12 mm का 4 वर्टिकल और 8 इंच का यहाँ पे रिंग बना के 6 इंच की स्पेसिंग पे लगा देना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बाहर का जो अपना रेनफोर्समेंट है और ये अपना जो पिलर है वो हमने बना दिया। इस तरीके से कुछ आपको टोटल कॉलम आपके घर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आउटर वॉल को फटाफट बना लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आउटर वॉल बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इतना हाइट तक हमने आउटर वॉल को बना दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी इधर में सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस हाइट तक बना रहे हैं, इसको भी बना देते हैं। सारे बाहर का जो आपका दीवार है इसको हम बना देते हैं सबसे पहले। ये देख सकते हैं जो आउटर वॉल है वो आपका 9 इंच का देखने को मिल जाता है। ये वाला भी वॉल हम बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में। ये हमने यहाँ पे रेडी कर दिया। ठीक है, अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों, इसका जो प्लिंथ का लेवल है वो कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये हाइट है आपका प्लिंथ लेवल का। यहाँ पे आपको या बीम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लिंथ लेवल हो गया। चलिए, अब अंदर की वॉल भी हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंदर की वॉल है वो देख सकते हैं, इसको पार्टीशन वॉल भी बोल सकते हैं। और ये जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच की है। ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको अंदर की जो वॉल है वो बन गया। अभी दोस्तों, ये जो आपका ओपन किचन है, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका ओपन किचन रहेगा। ठीक है, ये यहाँ तक देख सकते हैं, थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अभी आपको देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका बेडरूम, ये हॉल, ये टॉयलेट, ये आपका स्टेयरकेस का सेटअप है और ये ओपन है यानी बाहर के साइड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मेन डोर है, तो मेन डोर के लिए ओपनिंग कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मेन डोर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मेन डोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो अंदर में एक यहाँ पे और डोर लगने वाला है, तो ये आपका जो डोर का साइज रहेगा वो आपको 7 फीट हाइट और 3.5 फीट चौड़ाई का रहेगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सारा आपको टॉयलेट का भी और जो बेडरूम का है सारे का आपको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका एक बेडरूम बचा है, दो बेडरूम, तो इसका भी हम फटाक से बना के दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये जो आपका हाउस प्लान है वो कुछ इस तरीके से अभी रेडी हो गया है। अब चलिए, इसके अंदर का जो डिटेल है यानी डायमेंशन जो डिटेल है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको डायमेंशन डिटेल। देखिए, ये सारा रेडी होने के बाद अब डायमेंशन डिटेल की जब हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका 9 फीट बाई 10 फीट का ये आपको बेडरूम मिलता है। सेम साइज़ का ये भी आपको बेडरूम है। ठीक है, और इधर में अगर बात करें टॉयलेट की, तो ये देख सकते हैं ये टॉयलेट है, ये 5 फीट 9 इंच का आपको इधर टॉयलेट मिलता है। ये हाल आपको बाकी 5 फीट 9 इंच का विड्थ है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 फीट 4 इंच का है। ठीक है, और ये आपका जो पार्किंग एरिया है, यहाँ पर अगर चौड़ाई की बात करें तो ये देख सकते हैं 5 फीट 3 इंच की आपको चौड़ाई मिलती है और ये पूरा अपना ओपन एरिया है। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो आप देख सकते हैं 8 फीट के आसपास आपको ये वाला एरिया देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका डायमेंशन डिटेल हो गया और यहाँ पर एक आपको विंडोज़ का सेटअप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे विंडोज़ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपके बगल में भी आपका खुद का प्लॉट है तो आप यहाँ पे विंडोज़ दे सकते हैं, अदरवाइज आप एक सिंगल विंडो बाहर के साइड में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हाउस प्लान। दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरीके का हाउस प्लान देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।